तो आज बविया होने वाली है टकलू टकलू टाइम। सुबह सुबह रोना मचा रखा है इसने, अभी चुप हुई है व्लॉग को देख के। और रोना क्यों है? क्योंकि इनको जाना है बाहर। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बाहर जाना है। क्यों बाहर क्यों जाना है? नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, नहीं बाहर नहीं जाना, चले बाहर। नहीं नहीं बस इसको बोलो नहीं जाना, चले नहीं जाना, मम्मी नहीं बोल रही, नहीं जाना। अच्छा अच्छा चल रहे चल रहे चल। पता है ये व्लॉग्स इसको बड़े होके दिखाएंगे कि देख कितने नाटक करती थी ऊपर जाने के लिए। तो पीने दो सुबह सुबह। इसको ना कल टेरिस पे ले जाके गलती की, अब इसको ये होता है मेरे को रोज बाहर लेके चलो। नहीं बितू हबू आ गया, हबू हबू हबू, बस इसको तो ये सीढ़ियाँ और ऊपर छत पे। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमागणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के ब्लॉग में भी। स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। आज के रूटीन की अगर बात करें, वैसे तो नॉर्मल सा दिन है, बविया के पापा अपना काम कर रहे हैं, मम्मी बविया को खिला रही हैं, तब तक मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और आज फाइनली मुहूर्त निकला है, हमने सोचा है कि आज बविया के बाल हम कटवा देते हैं, उसका यू नो पूरा शेव करवा देते हैं, मुंडन सॉर्ट ऑफ। एक्चुअली ये हम काफी लंबे टाइम से कर रहे थे, बट कुछ ना कुछ हो रहा था। बीच में दादी सा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में फिर हमारे ये शिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस था, तो घर देखना, शिफ्ट होना, सामान पैक करना, बहुत सारी चीजें चल रही थी। उस बीच में फिर हम भव्या का करवा ही नहीं पाए थे, बट अब फाइनली जैसे हम जयपुर आ गए हैं, हमने आसपास पता किया, तो हमारे घर के जस्ट बाजू में ही हेयर सैलून है, तो उनसे बात करने अभी भव्या के पापा जाएंगे। हम वहां पे तो नहीं ले जाके कटवा सकते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता शॉप पे भव्या आराम से बैठ के कटवाएगी, मतलब वो तो हंगामा मचाने वाली है, उसके बालों को कोई टच करे उसे वैसे ही नहीं पसंद। तो अब तो पूरे बाल कटने वाले हैं, तो लेट्स सी कैसा उसका रिएक्शन होता है। बट गर्मी है बच्ची की और कटवाना जरूरी है। ऐसे कहा जाता है कि जितनी बार आप बाल शेव करवाएंगे कटवाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी के बाल आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि भव्या के बाल बहुत अच्छे हों। ऑलरेडी उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, बट और अच्छे हो जाएंगे। इनफैक्ट मेरे खुद के बालों के लिए भी मम्मी बताते हैं कि जब मैं छोटी थी चार बार मेरे भी बाल कटवाए गए थे, तो अच्छे से अभी बालों की ग्रोथ है मेरी, बालों की क्वालिटी अच्छी है, टचवुड। तो आज बविया होने वाली है टकलू टकलू टाइप्स, और मैं मतलब मुझे पता नहीं कैसी लगने वाली है वो, लेट्स सी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्यूट लगेगी, बट पता नहीं टकलू बच्चे कैसे लगते हैं। और ये भी देखना चाहती हूँ कि वो कटवाती भी है या नहीं, क्योंकि खरे बहुत हैं, तो लेट्स सी कैसा जाता है ये पूरा टाइम। बविया के पापा आ चुके हैं, बात हुई? हाँ बात हुई है, अभी बोल रहे कि 5 मिनट में आने के लिए। आ जाएंगे क्या 5 मिनट में? 5 मिनट में आ जाएंगे। सो फाइनली शुरू हो चुका है बाल कटवाने का प्रोसेस, और सब जगह अपने अपने रीति रिवाज होते हैं मुंडन से रिलेटेड। मैं वो फॉलो कर रही हूँ जो मेरे ससुराल में होता है। मेरे मायके में अलग सिस्टम है, और ससुराल में ऐसा होता है कि लड़कों का जड़ूला होता है वो टीलाजी महाराज के होता है, लड़कियों का एज सच नहीं होता है, तो आप अपनी मर्जी से कभी भी कट करवा सकते हैं। मे मंथ में हम कट करवाने वाले थे, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया कुछ कारण की वजह से, इसलिए अभी हम जून में कट करवा रहे हैं बविया के बाल। और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से बच्ची कटवा रही है। थोड़ी सी डरी हुई थी वो, क्योंकि वो अननोन इंसान से थोड़ा सा डरती है, थोड़ा सा कम बात करती है। तो अपने पापा को देखिए आप कितने अच्छे से पकड़ के बैठी है, उनका टी शर्ट पकड़ के बैठी कि पापा ना चले जाएं। पूरे प्रोसेस में हम चारों लोग लगे हुए थे, बाल काटने वाले अंकल थे, भव्या के पापा थे, मैं कंटिन्यू भव्या को उसकी फेवरेट पोएम सुनाए जा रही थी, गाने सुनाए जा रही थी, और साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी, क्योंकि ये मेमोरी है भव्या की जो बड़े होकर वो देखेगी। मम्मी भव्या के सामने बैठे थे और वो उसके फेवरेट कार्टून्स लगा के बैठे थे, आप देख सकते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद में फाइनली बच्ची ने आराम से अपने बाल कटवा लिए, एंड मेरा टकलू बहुत ही प्यारा लग रहा है। भव्या एक्चुअली बहुत स्वीट है, आप देख सकते हैं, उसने बहुत आराम से अपना सारा करवा लिया। और व्लॉग्स से एक बात है, पूरा बचपन कैद हो रहा है भव्या का, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। भव्या बाल कौन ले गया? मामा ले गया। कैसे ले गया? कैसे काटे बाल? कैसे काटे? ऐसे काटे। जाओ कांच में देखो भव्या को, जाओ। आजो कांच में देखो, डर के मारे कांच के सामने नहीं जा रही। हाँ जाओ देखो, मामा ले गया। कौन ले गया? मामा ले गया। भव्या के बाल कौन लेके गया? कहाँ गए भव्या के बाल? कहाँ है भव्या की चोटी? चोटी कहाँ गई? चोटी कहाँ गई? कहाँ गई बेटा?
ओलो बेतो की चोटी, ओ चोटी गई मेरे बत्तू की। मामा ले गया। मामा ने बाल कैसे काटे, कैसे काटे, ऐसे काटे। प्यारी कर दे भव्या को, प्यारी कर दे। भव्या के बाल कहाँ हैं? मामा ले गया। और ये हमारा टकलू जी जग गया है नींद से। पता है इसको देखा नहीं ना कभी, ऐसे तो अजीब सी लग रही है। गुगू ने इसके ऐसे आगे के बाल लग रहे हैं। हाँ अलग ही लग रहा है ना। भव्या के बाल कौन ले गया? कहाँ गए बाल? मामा ले गया। बाल कहाँ गए बाबू? बाल कहाँ गए? इसने अपने आप ही बाल काटने वाले अंकल को मामा बना लिया। मामा ले गया। मामा कैसे लेके गया? उधर लेके गया। जा जा लेके आ, अपने बाल लेके आ, बाल लेकर आओ। कैसे लेके गया? ऐसे कर, मालिश कर, मालिश कर। मालिश कैसे करती है बताया? आज नींद से, सुनो तो सुनो, आज नींद में दो तीन बार जगी और है ना अपने बालों को टच कर रही, फिर देख रही है बाल ही नहीं है। बाबू बाल कहाँ गए? वाह दरवाजे के बाहर गए बाल इसके। इसको नहीं पता कि इसके बाल घर में ही है। दिखा तेरे बाल, दिखा। आजा पापा मालिश करेंगे, मालिश। अरे वाह नानी सा बनाओ कर रहे है। अरे वाह बोलू डॉन, बोलू डॉन। बाबू बाल कहाँ गए? नीने बाबू मम्मा ले गई। क्यूट लग रही है, मेरे को तो मस्त लग रही है। टकलू टकलू दाने दाने तो वो इसके आए हैं अभी, उसने वो उस तरह घुमाया है ना इसको। दो चार दिन अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करूंगी तो सही हो जाएंगे हैं बाबू। टकलू टकलू मेरे को लग रहा है इससे ज्यादा मजा तो इसके पापा को आ रहा है हाथ घुमाने में। बाबू बाल कहाँ गए? बाबू बाल कहाँ गए? बाबू मामा ले गया। कैसे काटे मामा ने बाल? कैसे काटे भव्या के बाल? कैसे काटे? नाक देखो कैसे चढ़ा रही है। ओ बाल ले गया बाबू के, हैं ऊपर ले, हैं कहाँ ले गए बाल? आपको बता रही है वो बाल ले गया। बाल कहाँ ले गए भव्या के? कोई बात नहीं, ऐसे भी सुंदर लग रहा है मेरा बेतू। मैं बेतू जो चुंदर चुंदर है ना, मस्ती आ रही है इसको, अभी जगी है ना। बल्लू, बल्लू तो गया। बल्लू लाओ भाई, बल्लू लाओ। इसका इसको बुला रहा बाबू? किसको बुला रहा है? बल्ला रोड पे किसी को भी बुलाती है ये। एक दिन पता है रोड से एक आदमी चलता था, बोलती पापा पापा आ जाओ। बाल कहाँ गए? बाल पापा ही बैठे। बाल कहाँ गए? पापा यही है बेटा, बाहर नहीं है। बाबू बाल कहाँ गए? बाबू टकला कैसे हो गया? बाबू टकला कैसे हो गया? टकला कैसे हो गया? टकला कैसे हो गया? एक खोपड़ी के बाल कहाँ गए? कहाँ गए बाल? बाल कहाँ गए? कब्बू ले गया। कब्बू, कब्बू ले गया बाल? हाथी ले गया, हाथी हाथी। बाल कौन ले गया भव्या के? कौन ले गया? सो अभी हम जा रहे हैं बैनर की प्रिंटिंग के लिए, देखने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि क्या साइज सही रहेगा और कैसे प्रिंट होगा एंड ऑल दैट। भव्या को मैंने मम्मी के पास छोड़ा है चुपके से। मम्मी रख रहे हैं अभी फिलहाल, भव्या को खिला रहे हैं। बहुत मुश्किल से निकल के आई हूँ मैं, तो अब जा रहे हैं नीचे। सो रवाना हो चुके हैं हम, और हम जा रहे हैं कहाँ? किरनी फाटक। किरनी फाटक ना, किरनी फाटक जा रहे हैं। एक्चुअली ज्यादा एरियाज पता नहीं है यहाँ पे, तो हम नेट पे सर्च वगैरह करके या मैप पे डाल के जाते हैं, तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी, धीरे धीरे रास्ते पता चलेंगे। फिलहाल हम रवाना हो चुके हैं और वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या सिचुएशन है। मुझे कई कमेंट्स आए कि जीजा आपको जयपुर कैसा लग रहा है, सेट हो गए क्या? तो मुझे जयपुर बहुत पसंद आ रहा है और धीरे धीरे सेट भी हो रहे हैं। ये शहर हमें दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड देन फाइनली हम पहुंच गए थे इनके शॉप पे। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 2.5-3 किलोमीटर पे था। किरनी फाटक की तरफ ये शॉप है। शॉप का नाम है हेमंत साइनेज। मेरे हस्बैंड अभी अंकल जी को सारा बता रहे थे, डिज़ाइन एंड ऑल अंकित से हमने मेल करवा लिया था, और डिज़ाइन अंकित ने ऑलरेडी तैयार कर दिया था। हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग के काम से आए थे। अब हम यहाँ पे मटेरियल चेक कर रहे हैं कि बैनर में कौन सा मटेरियल लगवाएं। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्राइस रेंज थी, तो वो हम देख रहे थे और उस हिसाब से फिर हम इसे फाइनल प्रिंट करवाएंगे, वो आप देखेंगे आगे। यहाँ पे जो छोटी सी डिज़ाइन आपको दिख रही है, ये फाइनल अंकित ने मेल किया था इन्हें, और ये भी चेक कर रहे हैं प्रिंट के लिए। सो हम आ चुके हैं घर में, एंटर हो चुके हैं, और ये देखो हमारे इंतजार में खड़ी है हमारी भव्या और मम्मी। हेलो बाबू, ये मेरा टकलू। चलो चलते हैं।
तो रात के बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 11 और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा चांद हो रखा है सामने। बहुत अच्छा दिख रहा है कैमरा में, ऑब्वियसली उतना क्लियर नहीं है बट सामने से ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये हमारी बिट्टू भी आ गई चंदा मामा देखने के लिए। बाबू चंदा मामा कहाँ है, बुला लो चंदा मामा को, बुला आ जाओ चंदा मामा। कैसे बुलाते हैं, आ जाओ। और ऐसे डरा के नहीं बुलाते बेटा चंदा मामा को, कैसे बुलाएंगे चंदा मामा को, बुलाओ। अच्छा लाइट चालू कर दी मम्मा ने, आप चंदा मामा को बुला लो। ए मेरा टकलू पकलू, ये लाइट है। अब इसको लग रहा है यहाँ पे ये दूसरा चंदा मामा कहाँ से आ गया। बाबू वो लाइट है, लाइट लाइट है, लाइट। ये चंदा मामा नहीं है, चंदा मामा वो रहे ओरिजिनल है वो, ये नहीं है चंदा मामा। अरे मैंने तो इसको कन्फ्यूज कर दिया, कहाँ है, रुको मैं लाइट बंद करके पूछती हूँ आपसे। अब बताओ कहाँ है चंदा मामा। अब सही आंसर दिया ना, बच्ची कंफ्यूज हो गई थी। इसको बालकनी इतनी पसंद है, ये यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेगी अब। सो इस व्यू के साथ में हम करते हैं व्लॉग की एंडिंग। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खामा गणेशा।